नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे बेगूसराय के पर्यटन स्थलों के बारे में। बिहार के प्रत्येक जिलों के पर्यटन परिचय के प्रस्तुतिकरण में आज हम आपको बेगूसराय के उन पहलुओं से मिलाएंगे जो आप में बिहारी होने के गर्व की भावना के साथ ही प्रेरणा के भाव भी प्रवाहित करेंगे। इसके पर्यटन स्थल के बारे में बताऊं तो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाने वाले बिहार के इस जिले में पर्यटन के लिहाज से प्राचीन मंदिरों स्थलों के साथ कई प्राकृतिक स्थल भी मौजूद है जो आपको अपने खूबसूरती से मोह लेंगे। उसी में पहला आता है काबर झील पक्षी अभयारण्य। 63.11 वर्ग किलोमीटर में फैले इस झील में आप मछलियों की 30 से ज्यादा प्रजाति, 59 प्रकार के प्रवासी पक्षी और 106 स्थानीय प्रजातियों के पक्षियों को निहार सकते हैं। 1984 में बिहार सरकार से पक्षी अभयारण्य का दर्जा प्राप्त यह स्थल बिहार का ही नहीं बल्कि देश का सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों वाला है। यहाँ रोजाना दूर दराज से सैलानी मनमोहक वातावरण एवं पक्षी विहार के लिए आते हैं। पुरातत्वीय महत्व का बौद्धकालीन हरसाइन स्तूप भी आपको यहां से देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आता है यहां का संग्रहालय यानी म्यूजियम, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इस संग्रहालय की मदद से आप बिहार एवं बेगूसराय सहित भारत के कई ऐतिहासिक और अहम पहलुओं को समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध, भगवान गणेश, विष्णु, सूर्य के प्राचीन मूर्तियां यहां सुरक्षित हैं। इसके अलावा आप इतिहास में पढ़े पाल मौर्य राजा के चलाए गए सिक्के और पांडुलिपि भी देख सकते हैं। ब्रिटिश काल के सिक्के के साथ ही अन्य प्राचीन वस्तुओं को यहां संरक्षित किया गया है। बिहार में बात अगर पर्यटन की हो तो उसमें मंदिरों की बात ना की जाए तो ये तो हो नहीं सकता। इसी तरह बेगूसराय भी अपनी धार्मिक पहचान के लिए विख्यात है। यहाँ का नौलखा मंदिर बिहार के प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। जानकारी के अनुसार इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में महंत दास ने किया था, जिसे फिर 1953 में संत महावीर दास ने इसे और आकर्षक एवं सुंदर बनाया। मंदिर प्रबंधक का दावा रहा है कि उस वक्त देश में शीशे की खूबसूरत कलाकृति पेश करने वाली यह पहली मंदिर थी। मंदिर की सुंदरता और डिजाइन की प्रसिद्धि की वजह से लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। जयमंगलागढ़ माता का मंदिर एक ऐसा धरोहर स्थल है जो पुरातात्विक महत्व भी रखता है। मंझोल में स्थित यह मंदिर कांवर झील से घिरा हुआ है। इस मंदिर को शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के अनुसार यह मंदिर पाल साम्राज्य से संबंध रखता है। अगर आपको इस मंदिर का भ्रमण करना है तो वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, पर नवरात्र में इसकी अपनी एक अलग चमक एवं धमक रहती है। मेरी मानिएगा तो आप नवरात्र में ही जाइए, बहुत मजा आएगा। अब अगर बात की जाए यहाँ की प्रसिद्ध व्यंजन की तो बिहार के अन्य जगहों की तरह बिहारी भोजन ही प्रसिद्ध है। लिट्टी और चूरा दही उनमें से एक है। इसके अलावा पंचा, जिसे वहाँ के आम भाषा में एटम बॉम्ब कहा जाता है, वह यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मिठाई है। अगर बात की जाए यहाँ के महोत्सव की तो उसमें जयमंगला महोत्सव प्रमुख है, जिसमें सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। वहाँ के हरिगिरी धाम में श्रावणी मेला लगता है और बीरपुर प्रखंड मुख्यालय में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेला लगता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बिहार के पर्यटन स्थलों को बताने के क्रम में बेगूसराय, जिसे बिहार का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहते हैं, की सैर कराई। अब अगले वीडियो में हम आपको बिहार के दूसरे जिलों के पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।